हेलो एवरीवन, सो फॉर्मेशन इवोल्यूशन सेशन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यू टूल। सो द फर्स्ट वन इज द रिपीट फॉर्मेशन टेस्टर। दिस इज द टूल, ओके। नेम ऑफ द टूल इज रिपीट फॉर्मेशन टेस्टर। सो ये आपको क्या मेजर करके देगा, तो मैं बोलूँ ये आपको मेजर करके देगा रिजर्वायर प्रेशर। ये आपको क्या मेजर करके देगा, रिजर्वायर प्रेशर आपको मेजर करके देगा। सेकंड चीज़, ये आपको फ्लूड का सैंपल, किसका सैंपल, सैंपल ऑफ दी फ्लूड्स, ओके। फ्लूड्स के क्या आपको लाके देगा, इट कैन गिव यू दी फ्लूड के सैंपल एज वेल एज दी रिजर्वायर प्रेशर। ये दो उसमें ऐसे, ये टूल में क्या होते हैं, टू प्लेसेस के, ओके। दैट मीन्स मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि जो ये हमारा टूल है वो आपको रिजर्वायर प्रेशर करके देगा, वो कौन से प्रिंसिपल से मेजर करेगा, तो मैं बोलता हूँ सिंपली बर्नौली के प्रिंसिपल से, या फिर मैं बोलता हूँ सिंपल मास बैलेंस से ये मेजर करके देगा। दूसरी चीज़, सैंपल ऑफ द फ्लूड्स, कैसे सैंपल ऑफ द फ्लूड्स आपको ला के देगा, तो ये दो जगह से, ठीक है, दो प्लेस से आपको सैंपल कलेक्ट करके दे सकता है। दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस और मैं बात करूँ सेकंड प्लेस। अब ये जो टूल होता है वो आपको फर्स्ट प्लेस में जो सैंपल ला के देगा, इट इज़ नॉट द प्योर कि उसी जोन का होगा, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो मिक्स करवा सकते हो दो जोन के फ्लूड को, वैसे ही सेकंड जो प्लेस है वहाँ से आप निकल रहे हो वहाँ पे भी मिक्स करवा सकते हो, बट इसके पास जो टूल है उसके पास एबिलिटी है कि वो दो जगह का आपको फ्लूड का सैंपल दे सकता है। फिर आप चाहो तो मिक्स करवाओ ना करवाओ, वो आप पे डिपेंडेड है, ठीक है। तो मैं बोलना इस तरह से चाह रहा हूँ आपसे कि मान लो ये अपना फॉर्मेशन है, आप यहाँ का सैंपल लेना चाहते हो, तो यहाँ का और यहाँ का आपने मिक्स कर दिया तो ये फर्स्ट प्लेस हो गया, और आपने यहाँ का और यहाँ का सैंपल मिक्स कर दिया तो ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से दो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन का ये दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये रिजर्वायर का प्रेशर कैसे मेजर करता है, दैट इज़ दी आर इंटरेस्ट, ओके, दैट इज़ दी आर इंटरेस्ट। सो मैं आपको बोलूँ टाइम सेविंग होता है, ठीक है, टाइम सेव करेगा, यस, क्यों, क्योंकि आपको अलग से सैम्पलिंग करना नहीं पड़ रहा है, आपको रिजर्वायर प्रेशर भी ये मेजर करके देगा, आपको सैंपल भी ला के देगा, वो भी दो जोन के ला के देगा, फिर आप वहाँ पे मिक्स करो या ना करो वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो लीस्ट टाइम पे हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। सेकंड, इस टूल को इंस्टॉल करने में एज वेल एज दी रीड्रेसिंग करने में, यानी कि वापस लेने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टूल भी बहुत सिंपल होता है। सो आपको मैं बोलूँ इसमें हम क्या करेंगे, तो व्हेन वी विल सी प्रोडक्शन, मैं आपको एक मीटर पढ़ाऊंगा, डेट इज द वेंचुरी मीटर। सेकंड इज द ओरिफेज मीटर, थर्ड इज द रोटो ट्यूब, एंड फिफ्थ इज द पिटो ट्यूब, ओके, रोटोमीटर एंड पिटो ट्यूब। सो हम ये सब मीटर के साथ जो एक्टिविटीज करते हैं तो वो हमें डेल पी की हेल्प से, प्रेशर ड्रॉप की हेल्प से फ्लो रेट फाइंड करके देता है। यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम फ्लो रेट की हेल्प से प्रेशर ड्रॉप फाइंड करेंगे, ठीक है, फ्लो रेट की हेल्प से प्रेशर ड्रॉप फाइंड करेंगे। वेल टेस्टिंग में हम तो करते ही आ रहे हैं, बट यहाँ पे भी ऐसा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, इसमें होता क्या है और कैसे हम इसमें हमारा टूल का यूज़ करते हैं। तो मान लो ये एक फॉर्मेशन है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो पोरस फॉर्मेशन होगा, वहीं पे ये काम आने वाला है। यहाँ पे क्या होगी, मड़केक होगी, क्या होगी, मड़केक होगी। अब मैं क्या करूँगा, मेरा टूल है, ठीक है, मेरा टूल है, तो पहले तो इस तरह से इसमें एक पिस्टन रहता है, क्या रहता है, पिस्टन रहता है, जो फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए रखा जाता है, किसके लिए, फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे फ्लो रेट प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक इस तरह का पिस्टन है, ठीक है, इस तरह की गन है या फिर पिस्टन है इस तरह का। अभी ये जस्ट मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ कैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह का मान लो एक पिस्टन है, ठीक है, ये क्या ड्रॉ किया मैंने, पिस्टन ड्रॉ किया है, ठीक है, पिस्टन ड्रॉ किया है, आपको समझ में आ गया होगा, पिस्टन था ये। अब मैं बोलूँ
पिस्टन तो लगाया, उसके बाद मैं इसको यहाँ से पैक कर दूंगा। क्या कर दूंगा, यहाँ से ये वाला था, ये वाले जॉन को मैं क्या कर दूंगा, पैक कर दूंगा। यानी कि मैंने यहाँ पे पैकर लगाया, ये जो कलर है वो आपको इस तरह से दोनों साइड से पैक करवा रहा है। क्या करवा रहा है, पैक करवा रहा है। अब यहाँ पे पहले क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट जोन हो गए, ये इन्वेडेड जोन होगा, फिर ये अन इन्वेडेड जोन होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से हरकत कर रहा है। ये पैकर लगाया है मैंने, फिर ये यहाँ से कहीं पे कनेक्ट होगा, यहाँ से इस तरह से ये क्या होगा, इस तरह से कनेक्टेड होगा दो चैम्बर के साथ। कैसे, इस तरह से दो चैम्बर के साथ ये कनेक्टेड रहेगा, कुछ इस तरह से ये दो चैम्बर हो गए, ठीक है, ये दो चैम्बर के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, इस तरह से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ठीक है, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसका डायामीटर चेंज हो रहा है। देखो आप, यू कैन सी, यहाँ से ये वाली पाइप भी बड़ी रख सकते हो, ठीक है, डायामीटर चेंज हो रहा है, ठीक है, इसका डी वन और इसका डी टू, ठीक है, इसका डी वन और इसका डी टू। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, क्या करना है, प्रेशर मेजर करना है। तो एक गेज लगा रहेगा जो प्रेशर को मेजर कर रहा हो, ये है अपना प्रेशर जी यू ए जी। प्रेशर गेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गेज प्रेशर ना के देता है, ठीक है, क्या देता है, गेज प्रेशर। और ये सारे फ्लो को कंट्रोल करने के वाल होते हैं, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गए, ठीक है। मान लो इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये वाल है, ठीक है, इस तरह का वाल है, ऐसे बस एक्सटेंड करके रखा है, वाल है, दैट मीन्स कि यहाँ से मुझे दो कनेक्शन देने हैं डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर में, तो उसके केवल वाल है, ये वाल वन है और ये वाल टू है, ठीक है, ये सिंपल सी असेंबली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, यस आप करवा रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ होगी यहाँ पे, और एक वाल रहेगा, ठीक है, ये भी एक वाल है, ये वाल क्या है, इक्विवेलेंट वाल टू मड कॉलम, ओके, जो मड कॉलम है उसकी इफेक्ट को, सॉरी, जो मड कॉलम है उसके इक्वलाइजेशन के लिए क्या है, यहाँ पे भी एक वाल है। तो अब क्या होने वाला है, देखो होगा कुछ यूं कि ये वाला प्रेशर गेज है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये वाला प्रेशर गेज क्या मेजर करेगा, यहाँ का कुछ प्रेशर होगा जो मैं बोल रहा हूँ रिजर्वायर का प्रेशर, और यहाँ पे जो प्रेशर है इनिशियली क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, इनिशियली प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पे भी इनिशियली प्रेशर क्या है, जीरो है, क्योंकि एम्प्टी चैम्बर है, अभी क्या है, दोनों के दोनों चैम्बर क्या है, एम्प्टी है, उसमें से फर्स्ट फ्लूड का सैंपल मिलेगा, फ्लूड सैंपल वी कैन मेजर हियर, यहाँ पे भी फ्लूड सैंपल हम कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास वाल है जो ये चैम्बर को ओपन करने के लिए, ठीक है, वो अब आप कन्फ्यूग्रेशन पे मत जाओ, वो आप अपने हिसाब से सोच लो कि ये वाला वाल ओपन करूँगा तो ये वाले चैम्बर में फ्लूड आना स्टार्ट होगा, ये वाला वाल ओपन करूँगा तो ये वाले चैम्बर में फ्लूड आना स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो अपना ये पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेकर लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मड़ केक है, ठीक है, यहाँ पे मैं पिस्टन से ये वाले फॉर्मेशन को हीट करके ब्रेक कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे जो इन्वेडेड जोन होगा उसे मैं क्या करूँगा, ब्रेक करवा दूंगा, क्यों ब्रेक करूँगा, तभी तो यहाँ से फ्लो होगा, ऑब्वियसली बात है, ब्रेक करूँगा तभी तो यहाँ से फ्लो होगा, उस टाइम पे मड़ केक, ठीक है, यहाँ पे मड़ केक बनी होगी जिसको मैंने पैकर से सील किया हुआ है, वो ना आ जाए, ठीक है, मड़ केक इनसाइड ना आ जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पे अच्छे से पैकर लगाया है, ठीक है, मड़ केक बहुत ही मान लो बड़ी है, यहाँ पे हर जगह मड़ केक लगी हुई थी, तो उसको मैंने पैकर से सील किया है ताकि यहाँ पे अनवांटेड एनी मड़ केक का अंदर इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो मैं ये वाले पिस्टन से क्या करूँगा, प्रेस करके इसको तोड़ दूँगा, ठीक है। अब पहले प्रिंसिपल देख लो, प्रिंसिपल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, देखो प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, आपको अभी शायद मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जैसे जैसे ही इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे तो प्रेशर जीरो था, ठीक है, बट यहाँ पे तो कुछ प्रेशर था, तो इनिशियली इन्वेडेड जोन से जो मटेरियल आएगा वो फ्लो के चला जाएगा, मान लो ये वाले चैम्बर में एट अ कॉन्स्टेंट फ्लोरेट क्यू, ठीक है, कॉन्स्टेंट फ्लोरेट क्यू से मैं क्या करूँगा, अब ये वाला चैम्बर फिल होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, फ्लोरेट फ्लक्चुएट होगा, ओके, फ्लोरेट इनिशियली फ्लक्चुएट होगा, उसके बाद क्या मिलने वाला है,
फ्लो रेट मेरा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंटली मैं 60, यहाँ पे ये वाल को ऐसे ओपन करूँगा कि ये वाला क्या करे, यहाँ पे 60 या फिर जितना भी फ्लो रेट देना है, ठीक है। मान लो मैंने लिया 60 बैरल पर डे के, जितना फ्लो रेट से मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, दैट मीन्स नॉट प्रोडक्शन स्टार्ट किया, मैं फ्लूड को यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करूँगा, तो ये वाला चैम्बर फिल हो जाएगा, ठीक है। तब तक मुझे एक प्रेशर ड्रॉप मिला होगा, ठीक है। क्यों प्रेशर ड्रॉप मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम हो रही है, आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, मैं फ्लूड को क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फ्लूड को क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, फ्लूड को क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, दैट विल मेजर बाय दिस गेज, ओके। वो क्या होगा, अपना गेज मेजर करेगा कि यहाँ से मैं अगर फ्लो रेट ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर रिडक्शन होगा ऑब्वियसली, ठीक है, वो प्रेशर रिडक्शन आई विल मेजर, ओके, आई विल मेजर दैट प्रेशर रिडक्शन, ओके। सेकंड चीज, यहाँ का मुझे ये वाला जब कम्प्लीटली फील हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जब भी कम्प्लीटली फील हो जाएगा, उसके बाद का प्रेशर क्या मुझे नॉन होगा, यस, मैंने ही तो चैम्बर बनाया है, तो उसके बाद का प्रेशर मुझे नॉन होगा। तो फर्स्ट टर्म लेस फ्लोरेट से फर्स्ट वाले चैम्बर को फिल करते हैं, और ये वाला फ्लोरेट लेस होता है, और लेस फ्लोरेट रखना है, ठीक है, दैट मीन्स वेलोसिटी लेस होगी, फ्लोरेट तो कॉन्स्टेंट ही रखना है, ठीक है, तो डेल्पी हम मेजर करेंगे। सेकंडली, जब पूरा इन्वर्टेड जोन की इफेक्ट खत्म हो जाए, इन्वर्टेड की इफेक्ट खत्म हो जाए, उसके बाद फिर से फ्लो को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि रिजल्ट एक्यूरेट मिले, फ्लोरेट बढ़ा देंगे, फ्लोरेट इंक्रीज कर देंगे, तो उस हिसाब से डेल्पी टू मिलेगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, अब ये वाला चैम्बर फिल हो गया, उसके बाद हाई फ्लोरेट से प्रोडक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, इस वाले चैम्बर में, ये वाले चैम्बर में प्रोडक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ से फ्लूड आएगा और ये वाले चैम्बर को फिल करेगा, और तब हाई फ्लोरेट होगा, तभी भी क्या करेंगे हम डेल्पी टू को मेजर करेंगे कि हमारा प्रेशर का क्या ड्रॉप मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो ये वाले प्रेशर ड्रॉप की अगर मैं प्रोफाइल ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से मिलेगी, यहाँ पे एक फ्लोरेट है, ये 60 था, उसके बाद मैंने 120 किया, ठीक है, इस तरह की प्रोफाइल है। तो क्या क्या हरकत होगी फिर मैं, और उसके बाद ये वाला चैम्बर भी फिल हो जाए, ठीक है, ये वाला चैम्बर भी जब भी फिल हो जाएगा, ये वाला चैम्बर भी फिल, मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ से पिस्टन को हटा लूँगा, ठीक है, देन उसके बाद क्या करूँगा, पिस्टन को हटा लूँगा, और ये वाला क्या कर दूँगा, पूरा का पूरा सील कर दूँगा, सील कर दूँगा, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है, वो यहाँ से जो फ्लूड आएगा बाउंड्री से, उससे इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर के जितना प्रेशर अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ्लो को फ्लक्चुएट करके जैसे प्रेशर ड्रॉप मेजर करता हूँ, तो दैट विल प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू रिजर्वायर प्रेशर, इसी हेल्प से मैं रिजर्वायर प्रेशर को कैलकुलेट करूँगा। तो देखो इनिशियली क्या हुआ, ओके, तो यहाँ पे मैं प्रेशर की प्रोफाइल अगर ड्रॉ करूँ इसके साथ ही, तो ये मान लो मैक्सिमम प्रेशर वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली क्या लाइन है, मैक्सिमम प्रेशर वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली मैक्सिमम प्रेशर वाली लाइन है। तो फर्स्ट जब भी मेरा पिस्टन यहाँ पे एंक्रोच होगा, ठीक है, एंक्रोच दैट मीन्स वहाँ पे मैं जब उसको हीट करवाऊँगा, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा इनिशियली जब पिस्टन हीट करेगा, क्योंकि वो फॉर्मेशन फ्लूड को क्या कर रहा है, ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, बट जैसे ही पिस्टन फॉर्मेशन को ब्रेक करेगा, वहाँ से फ्लूड प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा और फ्लू ऐसे आने का स्टार्ट करेगा। अब ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो ये वाला है, ये मड़ का प्रेशर इंडिकेट करवा रहा है, ठीक है, क्या इंडिकेट करवा रहा है, मड़ का, दैट मीन्स इन्वर्टेड जोन में मड़ भी तो प्रेजेंट है, और ये लोअर होगा, ठीक है, फॉर्मेशन का प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा लोअर होगा, ठीक है, फॉर्मेशन दैट मीन्स पोर प्रेशर वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने हीट किया, तो ऐसे ऐसे प्रेशर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर ये वाली लाइन जब बची होगी, ठीक है, तो इतना प्रेशर ड्रॉप मुझे मिल रहा है फॉर्मेशन से, कितना, इतना, ये वाले डेल्पी से मैंने कितना फ्लो लिया है, 60 जितना, फिर ये क्या होगा, फिर से यहाँ पे थोड़ा पीक देगा जब सेकंड चैम्बर स्टार्ट करेंगे अरेंजमेंट के टाइम पे, उसके बाद ये फिर लोअर हो जाएगा, ठीक है, कहाँ तक, जहाँ तक ये वाला फ्लो आ रहा है वहाँ तक। तो ये वाला डेल्पी, ये ओवरऑल डेल्पी है, ठीक है, ये वाला टोटल डेल्पी टोटल है, जो हाई फ्लो रेट पे लिया है
आफ्टर रिमूविंग दी मड इन्वेडेड एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं वेल को सेट कर दूंगा तो फिर इनिशियल प्रेशर अचीव होने के लिए ट्राई करेगा और ये फॉर्मेशन प्रेशर और उसके बाद मड इन्वेड होगा वो वाला प्रेशर अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्पी मुझे कुछ ऐसे ऑब्जर्व होगा। तो ये वाला ग्राफ है आपको रिपीट फॉर्मेशन टेस्टर में आपको मिलता है। ठीक है, ओके, ये डेल्पी क्यों क्रिएट हुआ, ये डेल्पी इसीलिए, ये गेज प्रेशर था। ठीक है, ये गेज प्रेशर था दैट विल मेजर ये रिजर्वायर का प्रेशर और यहाँ के बीच में कितने डिफरेंशियल प्रेशर की वजह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये चैम्बर जैसे जैसे फिल होना स्टार्ट हो जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, डेल्पी टेंस टू प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये ए वाले जोन से फ्लूड को निकाल के बी वाले जोन में बहुत ही कम टाइम के लिए हाई फ्लो रेट से, क्या बोला मैंने, लेस टाइम के लिए हाई फ्लो रेट से। ऐसा क्यों, क्योंकि लेस टाइम के लिए हाई फ्लो रेट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से जो फ्लूड आ रहा है, ठीक है, उसको उतना टाइम नहीं देंगे। ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ पे FFPM वाला फ्लो है और यहाँ पे पाइप वाला फ्लो है। ठीक है, तो ज़्यादा फ्लो किस में होता है, ऑब्वियसली पाइप में होता है। तो यहाँ से जो फ्लो ले रहे हैं वो कम टाइम में हाई फ्लो रेट लेंगे तो ये वाले फ्लूड को उतना टाइम नहीं मिलेगा इसको कवर करने में। ठीक है, तभी तो हमारा प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होगा, ऑब्वियसली बात है। तो फ्लो कब तक होगा, यहाँ पे क्यू जितना फ्लो रेट कब तक मिलेगा, जब तक ये वाले चैम्बर का प्रेशर ये वाले रिजर्वायर प्रेशर से क्या हो, लेस ओवर। वो मेजर कौन कर रहा है, गेज मेजर कर रहा है। दैट मीन्स इनिशियली ये डेल्पी वेरी हाई होगा। ठीक है, यहाँ पे पी रिजर्वायर माइनस पी चैम्बर, उसके बाद ये दो इक्वल हो जाएंगे तो गेज भी क्या बता देगा, जीरो बता देगा। तो ये कितने प्रेशर ड्रॉप से वो वाला लेस टाइम और हाई फ्लो रेट से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्लू Q कॉन्स्टेंट है तो डेल्पी प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। ठीक है, डेल्पी प्रोपोर्शनल टू Q, Q हमें कॉन्स्टेंट रखने के लिए ट्राई करना है। ठीक है, Q को हमें कॉन्स्टेंट रखने के लिए ट्राई करना है। तो जो डेल्पी था, यानी कि जो चैम्बर का प्रेशर और रिजर्वायर का प्रेशर था, दैट मीन फॉर्मेशन का प्रेशर था, इसके प्रोपोर्शनलिटी में फ्लो रेट हमने निकाला। एंड यू नो डेल्पी प्रोपोर्शनल टू Q के हिसाब से हम रिजर्वायर का प्रेशर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, ये क्या था, सिंपल सा लॉजिक था। दैट मीन्स सेकंड वाले केसेस में हाई फ्लो रेट लिया तो वहां पे हाई प्रेशर ड्रॉप हुआ, ऑब्वियसली जो डेल्पी रिक्वायरमेंट है ये क्यू करने के लिए, वो डेल्पी रिक्वायरमेंट तो हमें वहां पे फुलफिल करना ही होगा, ऑब्वियसली बात है। वो रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा, देखो ये वाला रिजर्वायर का जो प्रेशर है वो तो कॉन्स्टेंटली अचीव हो रहा होगा। ठीक है, कॉन्स्टेंटली दैट मीन्स ये वाले फ्लूड, देखो ये वाली आइडियल कंडीशन तो कहीं पे अचीव नहीं होती है। ठीक है, ये वाला फ्लो रेट कॉन्स्टेंट नहीं अचीव हो पाएगा इस तरह से। क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे FFPM वाला फ्लो है, यहाँ पे पाइप वाला फ्लो है, ये वाला ऑलवेज क्या करेगा, विन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑलवेज विन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑलवेज विन हो जाएगा। बट हम ट्राई करेंगे कि यहाँ से बने उतना मैक्सिमम फ्लोरेट आए ताकि ये प्री रिजर्वायर कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो, ताकि जो हम ये फ्लोरेट लगा रहे हैं, ठीक है, ये जो डेल्पी है अपना डेल्पी, वहाँ पे हमें इनिशियली फ्लोरेट मिले। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें अच्छा खासा फ्लोरेट देना रहेगा। ठीक है, अच्छा खासा फ्लोरेट देना रहेगा, बट ऐसी आइडियल कंडीशन हर बार नहीं मिलती। ठीक है, बट फिर भी हमारा काम चल जा रहा है तो हमें क्या हर्ज है। ठीक है, तो डेल्पी प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, हम डेल्पी मेजर कर सकते, हम फ्लोरेट तो हमारे हाथ में है। ठीक है, फ्लोरेट हमारे हाथ में है तो वी विल मेजर दी डेल्पी। ठीक है, तो ये वाला प्रिंसिपल के बेस पे हम रिजर्वायर का प्रेशर मेजर करेंगे। अब इससे हम थोड़ी मोटी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज दी वी कैन फाइंड फ्री वाटर लेवल एज वेल एज दी ऑयल वाटर कॉन्टैक्ट एंड गैस गैस ऑयल कॉन्टैक्ट। ओके, ये चीज़ें फाइंड हो सकती है इससे, कैसे कि जब भी, ठीक है, हमें पता है कि गैस फ्लो कर रहा है और ऑयल फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे डेल्पी कैसा चाहिए, ऑयल के केस में डेल्पी कैसा चाहिए,
हाई चाहिए, ठीक है, डेल पी हमें हाई देना होगा अगर कांस्टेंट फ्लो रेट प्रोड्यूस करना है। गैस ऑयल के केस में डेल पी लो देना होगा, अगर सेम इक्वल क्यू प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे हाई होगा यहाँ पे लो होगा। क्यों? बिकॉज ये क्या होता है, ज़्यादा डेंस होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल पी लो से काम चल जाएगा, यहाँ पे डेल पी हाई देना होगा, दैट मीन्स हाई देना होगा, डेल पी हाई है दैट मीन्स ग्रेडियंट इज हाई, ओके, ग्रेडियंट हाई मिलेगा, इसमें ग्रेडियंट लो मिलेगा, ओके। सो बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, ये वाला रिजर्वायर प्रेशर है और यहाँ पे डेप्थ है, तो अगर आपने जब फ्लो लेना स्टार्ट किया तो एक में इस तरह की लाइन थी और दूसरे में इस तरह की लाइन थी, ठीक है, तो अब आप ग्रेडियंट कैसे फाइंड करोगे, ये वाला थीटा देखोगे, ठीक है, ये वाला थीटा देखोगे, ओके, ये वाला थीटा, तो ये मान लो 30 होगा, तो ये वाली लाइन देखो इस तरह से है, तो ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, मे बी 60 डिग्री हो सकता है, तो हाई ग्रेडियंट डेसमेंट ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हैवी क्रूड को इंडिकेट करवा रहा है और ये लाइट क्रूड को इंडिकेट करवा रहा है, और कहाँ से चेंज आ रहा है, यहाँ से, तो दिस इज़ नथिंग बट ये कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट होगा, और आप इस हिसाब से कोई भी आप ये वाली चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो फर्स्ट चीज़ इसमें टूल जो यूज़ कर रहे हैं वो कई बार स्टक होने के चांसेस ज़्यादा है, सिंपल सा डिसएडवांटेज है। सेकंड थी कि अगर टाइट फॉर्मेशन है दैट मीन्स के इज़ वेरी लो देन ये फेल होता है, क्यों, क्योंकि फ्लो ही नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा तो क्या कर लोगे, फ्लो रेट कैसे मेजर करोगे, 60 और 120 या फिर 150 जितना फ्लो रेट कहाँ से लाओगे, ठीक है, ये बैरल पर डे नहीं है, सीसी पर मिनट है, ठीक है, जो फिगर दी है मेरे रेफरेंस बुक में वो ये बैरल में नहीं है, सीसी पर मिनट में है, ठीक है, सो यू कैन आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन दैट, ठीक है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो प्रिंसिपल से मतलब है, ओके। सो जिस तरह से टाइट फॉर्मेशन में ये फेल होता है। थर्ड थिंग, कई बार क्या होता है कि मड़केक होती है वो भी प्रोड्यूस हो जाती है, और मड़केक की डेंसिटी तो आपको पता है कितनी हाई होती है, तो उस टाइम पे फ्लो रेट पे डायरेक्टली इफेक्ट आएगा, ठीक है, वी विल रिक्वायर द हाई प्रेशर ड्रॉप टू डू दैट, ओके। सो ये वाली चीज़ भी होती है, ठीक है, फिर जो फाइंस होते हैं, ठीक है, फाइंस होते हैं वो भी कई बार प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये तो हमने ड्रॉ की करने के लिए ऐसी प्रोफाइल ड्रॉ कर दी है, वरना ये कभी भी ऐसी नहीं होती है, इधर ये इस तरह से फ्लक्चुएटिंग ही प्रोफाइल मिलती है, ठीक है, बट हमें अभी के लिए बेस्ट फिटेड लाइन देखनी है, ठीक है, तो ये थोड़े मोटे डिसएडवांटेजेस है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये कब होगा, जब पैकर हमारे फेल हो जाए, ठीक है, जो हमने पैकर सेट किया है वो फेल हो जाए, तो ऐसी कुछ हरकत होती है। तो ये वाला सिंपल सा टूल था, इसके 3 एडवांटेज थे, रिजर्वायर प्रेशर के साथ फ्लूड सैंपल करेक्ट करते दे रहा था, और वाटर ऑयल कॉन्टैक्ट, ऑयल वाटर कॉन्टैक्ट, या फिर आई कैन से गैस वाला भी आपको मेजर करके देता था, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ सिंपल टूल, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टूल, विच इज द फ्लूइड डेंसिटी मेजरमेंट, ओके, द नेम सजेस्ट FDM, फ्लूइड डेंसिटी मेजरमेंट, ओके, व्हाई वी मेजर द फ्लूइड डेंसिटी, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी मेजर द फ्लूइड डेंसिटी, टू नो फ्रॉम वेयर वी गेट द ऑयल, वेयर वी गेट द गैस, कैन वी आइडेंटिफाई फ्रॉम द फ्लूइड डेंसिटी, यस, ऑब्वियसली क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्लूइड डेंसिटी के मेजर से, हम पहली चीज कहाँ पे ऑयल है, कहाँ पे गैस है, कहाँ पे वाटर है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड चीज, टू फेज फ्लो है या वन फेज फ्लो है, ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके, ये भी तो आइडेंटिफाई हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ओके। थर्ड चीज, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट इन थ्री फेज, ये क्या इंडिकेट करता है कि ऑयल आ रहा है, गैस आ रहा है, क्या आ रहा है, ये भी तो आइडेंटिफाई हो सकता है। सो ये बेसिक से पैरामीटर है दैट वी कैन मेजर। सेकंड चीज़, इसमें हम यूज़ करते हैं, जो भी टूल यूज़ करते हैं वो मैं आपको अभी ब्रीफ करवाता हूँ, बट ये वाला है वो क्या देगा हमें, एवरेज फ्लूड की डेंसिटी देगा, ये वाला फेज को सेपरेट नहीं कर पाएगा,
ये हमें एवरेज फ्लूड की डेंसिटी देगा। दैट मीन्स मान लो यहाँ पे ऑयल और वाटर दोनों मिक्स होकर रखा है, तो ये दोनों की एवरेज रो एवरेज कैसे निकालते हैं वो अब मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कुछ ऐसे निकाल के देगा। ठीक है, इसकी हेल्प से हम होल्डअप फाइंड कर सकते हैं। इसकी हेल्प से वी कैन फाइंड दी होल्डअप। हाउ आई विल टेल यू, वेरी सिंपल। अब देखो कैलकुलेशन तो इसमें सब सिंपल है, बट आपको मेन चीज़ क्या रखनी है, ये बेसिकली ये वाली सिंगल फेज फ्लो, डबल फेज फ्लो, मल्टीप्लेज फ्लो क्या चल रहा है वो पता करके देगा। एवरेज डेंसिटी कहीं की भी निकाल के देगा। किसकी, फ्लूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मेशन की डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, फ्लूड की डेंसिटी की बात हो रही है, ओनली एंड ओनली ऑयल वाटर और गैस की। ठीक है, सो लेट सपोज कि मान लो ऐसा मेरा जोनल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी के लिए मैं आपको सिंपल सी बात करूँ, ये गैस है, ये ऑयल है और यहाँ से वाटर है। और अगर ये वाला टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ आई एम यूजिंग दिस टूल, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे मुझे फ्लूड डेंसिटी मेजर दे रहा है और इंक्रीज इस साइड हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, गैस के केस में कम होगी, यहाँ पे इस तरह से बढ़ेगी, यहाँ से इस तरह से बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं जोन डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इससे। यस, तो इसका यूज़ हम प्रोडक्शन लॉगिंग में ही करते हैं। ठीक है, ये टूल होता है वो सेपरेटली रन नहीं होता, प्रोडक्शन लॉगिंग में ही हम साइमल्टेनियसली भेजेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, यहाँ की रो एवरेज क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ गैस ही हो जाएगी, और फ्लूड की डेंसिटी तो हमें मोर और लेस पता होती है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे गैस प्रेजेंट है उतना, अगर हमें किसी और टूल से पता चल चुका हो, मान लो किसी और टूल से यहाँ पे डेंसिटी मिल रही हो 1.2 बट आई कैन से 0.7 जितना, ठीक है, 0.7 भी ज़्यादा हो गया, 0.5 जितना ले लो। ठीक है, कोई और टूल से हमें फ्लूड की प्योर गैस की डेंसिटी पता चल गई हो, ठीक है, ये गैस का सैंपल लेके मैंने लैब में स्टडी किया हो, यहाँ पे 0.5 मिल रही हो, बट मुझे अपना टूल यानी कि ये वाला टूल, ठीक है, ये वाला टूल एवरेज डेंसिटी मेजर करता है, वो यहाँ पे मान लो दे रहा है 0.9 जितना, दैट मीन्स यहाँ पे ओनली गैस नहीं है, यहाँ पे डबल फ्लो है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑयल के साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी गैस के साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑयल एंड वाटर। सेम केस यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे अप्लाई करो, तो ये वाला टूल क्या मेजर करके देगा, एवरेज डेंसिटी, क्या मेजर करके देगा, एवरेज डेंसिटी। ठीक है, तो ये एवरेज डेंसिटी मेजर करके मुझे दे देगा। ठीक है, तो इसका यूज़ हम प्रोडक्शन लॉगिंग में करते हैं। ठीक है, एक टाइप का प्रोडक्शन लॉगिंग ही है। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ प्रोडक्शन लॉगिंग क्या होता है और उसमें क्या मेजर करते हैं, क्या कोरिलेट करते हैं, क्या क्रॉस प्लॉट करते हैं, सब देखते हैं। बट पहले ये सारे टूल के ओवरव्यू आपको दे दूँ तो फिर वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्टली उस पर मूव नहीं कर रहा हूँ। कैसे अब ये हमें देगा, तो होल्डअप क्या होता है, पहले तो आप ये समझो होल्डअप क्या होता है। होल्डअप इज नथिंग, तो रिजर्वायर पे गिवन फ्लूड का वॉल्यूम, गिवन फ्लूड का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रिजर्वायर पे टोटल फ्लूड वॉल्यूम जो प्रेजेंट है। ठीक है, ये होता है होल्डअप, यानी कि होल्डअप इंडिकेटिंग परसेंटेज ऑफ दी गिवन फ्लूड। मानो गिवन फ्लूड क्या होगा, यहाँ पे ऑयल होगा, वाटर होगा और गैस, आइदर ऑयल, आइदर गैस और आइदर वाटर। फॉर परसेंटेज ऑफ गिवन फ्लूड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टोटल फ्लूड प्रेजेंट है। टोटल फ्लूड यानी कि ऑयल प्लस वाटर प्लस गैस। ठीक है, आप इतना समझते हो, यस आप इतना समझते हो। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ परसेंटेज ऑफ गिवन फ्लूड, दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ गिवन फ्लूड विथ रिस्पेक्ट टू टोटल फ्लूड। ओके, टोटल फ्लूड दैट मीन्स मान लो मैंने अगर इतना स्टडी के लिए लिया, ठीक है, ऐसे नहीं, होल्डअप कहाँ पे होता है, पाइप में निकालेंगे। ठीक है, पाइप में निकालेंगे, दैट मीन्स मान लो कि यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ से ये मेरी ट्यूबिंग है। ठीक है, क्या है, मेरी ट्यूबिंग है, और इस तरह से मैं यहाँ पे पेकर लगा के मौत से क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मान लो प्रोडक्शन ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे कितना होल्डअप है, ठीक है, पाइप के इनसाइड कितना होल्डअप है वो मैं निकाल सकता हूँ, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, मान लो होल्डअप ऑफ दी ऑयल होगा, होल्डअप ऑफ दी गैस होगा, कुछ होल्डअप होगा गैस का, कुछ होल्डअप होगा ऑयल का, और कुछ होगा वाटर का, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ दी गैस अपन वॉल्यूम ऑफ दी ऑयल प्लस वाटर प्लस गैस, ऐसा हो जाएगा। इस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ दी ऑयल ये इस तरह से,
ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ये होता है होल्डअप। ठीक है, आपको होल्डअप समझ में आ गया हो तो मैं कुछ आपको लिखना चाहता हूँ जो अपना फ्लूड एवरेज डेंसिटी मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा, आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या किया। ये सिंपली ये टोटल वॉल्यूम है फ्लूड का, ठीक है, जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, फ्लो रेट की नहीं, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, फ्लो रेट की नहीं। और यहाँ से यहाँ पे मान लो उसमें गैस कितना परसेंट है, मान लो ये वाली डेप्थ में इतना पोर्शन स्टडी कर रहा हूँ तो इसमें गैस कितना परसेंट है वो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये गैस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल, ये ऑयल का डिवाइडेड बाय टोटल, और ये वाटर का डिवाइडेड बाय टोटल, और यहाँ से क्या होगा, ये तीनों का सम ले लूँ तो वन हो जाएगा। देख लो, आप भी करके देख लो। ठीक है, आप राइट हैंड साइड ऐसा है तो लिख के देखो, दैट इज द इक्वल टू वन। सो रो एवरेज क्या होगी, रो एवरेज होगी गैस का परसेंटेज। ठीक है, गैस का परसेंटेज, ठीक है, आगे भी लिखवाया है जितना परसेंटेज है, वहाँ पे पोरोसिटी के टर्म में लिखते थे, यहाँ पे होल्डअप के टर्म में लिखेंगे। वाई, बिकॉज यहाँ पे अब हम पाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं, पाइप के इनसाइड की, पोरस मीडिया तो है नहीं अब हमारा, और यहाँ पे नो रॉक है, देखो 500% है। ठीक है, तो रॉक वाला टर्म तो चला गया। ठीक है, 5 क्या है, 100%, डेट मीन्स 1-5 जीरो हो जाएगा, रॉक वाला टर्म चला गया। और अब फ्लूड की बात करते हैं तो इतना गैस है तो उसकी डेंसिटी प्लस ऑयल का इतना होल्डअप है तो उसकी डेंसिटी प्लस होल्डअप ऑफ द वाटर है तो उसकी डेंसिटी। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन आपको रो एवरेज निकाल के देगा। ठीक है, रो एवरेज कैसे निकालोगे, ये फ्लूड की एवरेज जो ये हमारा लॉग ने रीड की होगी, ठीक है, टूल ने रीड की होगी। ठीक है, टूल ने रीड की होगी, ये हमें पता होगी सैम्पलिंग से, कैसे, सैम्पलिंग से, देन यू कैन फाइंड दिस अननोन। ओके ओके, दो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे लेके, तीन डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे लेके आप इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तीन डेप्थ पे ले लो रीडिंग और तीन कॉन्स्टेंट को सॉल्व कर लो, या फिर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम अगर गैस जीरो हो रहा है तो वो आपको देगा। तो ये इक्वेशन आप लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आगे प्रोडक्शन में फिर से देखेंगे होल्डअप के बारे में। ठीक है, वो ये होता है होल्डअप। ठीक है, रिजर्वायर कंडीशन पे जो वॉल्यूम निकाल के दे। अब मैं आपको बात करूँ कि इसमें जो टूल होता है उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, इसमें जो टूल होता है ये कैसे डेंसिटी मेजर करता है, तो इसमें जो टूल होता है वो दो तरह के टूल होते हैं, एक होता है ग्रेडियोमैनोमीटर। ठीक है, ग्रेडियोमैनोमीटर, और दूसरा टूल है न्यूक्लियर फ्लूइड डेंसिटी। ओके, तो ये जो भी है, बट ये होता है रेडियो एक्टिव टूल होता है। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव टूल होता है, जो क्या करता है, एक रेडियो एक्टिव टूल होता है तो वो क्या करता है, ओके, ग्रेडियोमैनोमीटर रेडियो एक्टिव नहीं होता। दो टूल अवेलेबल है, दूसरा टूल है वो है न्यूक्लियर फ्लूइड डेंसिटी मेजरमेंट। ठीक है, आपको टूल के नाम याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो टेंशन मत लो, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो हम मोस्टली जो भी टूल यूज़ करें, ठीक है, ये दोनों में से जो भी टूल यूज़ करें उसमें प्रिंसिपल कॉमन है। ये वाली अगर मुझे मेजरमेंट लेना है तो उसमें हम रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दैट इज़ द सीजियम गामा रे का यूज़ करते हैं। कौन सी, सीजियम गामा रे का, जो फ्लूड के साथ क्या करेगी, कॉम्प्टन स्कैटरिंग करेगी और अपने आप को एब्जॉर्ब करवाएगी। क्या करवाएगी, एब्जॉर्ब करवाएगी। अब कॉम्प्टन स्कैटरिंग तो आपको पता है, तो क्या होगा कि हायर डेंसिटी फ्लूड होगा, हायर डेंस फ्लूड होगा, दैट मीन्स हाई कॉम्प्टन स्कैटरिंग होगा, हाई कॉम्प्टन स्कैटरिंग होगा और लेस काउंट मिलेंगे। क्या होगा, लेस काउंट मिलेंगे, ये वाली चीज़ याद रखना है इसके लिए। ठीक है, कोई भी टूल है वो सीजियम गामा रे, दैट मीन्स इसकी कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द टूल विच वी हैव यूज इन द नेचुरल गामा रे और इंड्यूस गामा रे, यानी कि बल्क डेंसिटी मेजरमेंट। ठीक है, क्योंकि अब हमारी डेंसिटी भी लो हो चुकी है ना रॉक के हिसाब से, यहाँ पे तो डेंसिटी लो है तो हमें उस हिसाब का सोर्स यूज करना पड़ेगा। सो बेस्ट इज सीजियम गामा 137 ऐसा कुछ नाम है, ये वाला सोर्स यूज करेंगे। हायर डेंस फ्लूड अवेलेबल होगा तो वो हायर एब्जॉर्बर करेगा, हायर कॉम्प्टन स्कैटरिंग करवाएगा तो लेस काउंट ऑब्जर्व होगा। ये हो गया इसका प्रिंसिपल। तो ये था सेकंड टूल। नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। ठीक है, ये वाला प्रोडक्शन लॉगिंग के टाइम में, प्रोडक्शन लॉगिंग की पूरी इस तरह से असेंबली रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे टूल लगाए रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे टूल रहते हैं, तो ये उसी का एक पार्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोडक्शन लॉगिंग का टूल था,
जो हमें कुछ इस तरह से मेजरमेंट और कैलकुलेशन दे रहा था, आपने गेट के लिए इतना वेल इनफ है, डोंट वरी रिगार्डिंग एल्स एमटेक और पीएचडी के बारे में मत सोचो, ठीक है। सेकंड चीज, नेक्स्ट टूल इज दी मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज टूल। मैं बोलूँ, अब बात करते हैं, हमारे कोर्स में और एक टर्म दिया है, केसिंग इंस्पेक्शन टूल। कौन सा वाला? केसिंग इंस्पेक्शन टूल। दैट मीन्स हमें पता है केसिंग ऐसी असेंबली है जो लंबे टाइम तक हमें चलानी रहती है। दैट मीन्स कि केसिंग के इनसाइड पे कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। केसिंग के इनसाइड पे कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, आइदर वो टेंशन में हो या कंप्रेशन में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाली मुझे ऑलवेज कैसे ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी एडिशनल लोड नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसको ये वाला लोड बियर करना होता है, ठीक है। और हमने क्राइटेरिया देखे है ड्रिलिंग में, बर्स्ट और कोलैप्स के, ठीक है। तो आपको वो मेंटेन करना है, बट वो मेंटेन नहीं होता, कहीं से भी ये बर्स्ट हुआ है या कोलैप्स हुआ है तो वो हमें इंस्पेक्शन करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज टूल। इसका मीनिंग क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो लीक होगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये क्या होता है मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ फिजिक्स स्टूडेंट, ओके। आई एम अ पेट्रोलियम स्टूडेंट, ठीक है। आई एम नॉट अ इवन जियो फिजिस्ट और जियोलॉजिस्ट। तो मेरा इंटरेस्ट इतना है कि ये कैसे प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो इसमें जो टूल होता है, दैट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज टूल, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसकी हेल्प से हम कुछ ऐसे मेजर करेंगे। मान लो मैं केसिंग थोड़ी थिकनेस वाली बताता हूँ, इस तरह से है। और केसिंग किसकी बनी होती है? मोस्टली फेरस मटेरियल या फेरिक मटेरियल, यानी कि आयरन वाले मटेरियल से बनी होती है, ओके। तो मैं अगर बात करूँ कि मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करवा रहा हूँ कॉइल की हेल्प से, इस तरह से दो कॉइल की हेल्प से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करवा रहा हूँ, तो अगर मान लो ये गुड़ होगी, नई होगी, ठीक है, नई, तो क्या होगा, यहाँ से जो फ्लक्स भेज रहा हूँ वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा और रिसीवर पे कैच कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे। बट मान लो ये वाली अगर यहाँ से ब्रेक हुई होती, यहाँ से मान लो ये वाली, मान लो इंटरनल साइड पे इसका कोरोजन हो चुका होता इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैग्नेटिक होता है, फेरस मटेरियल होता है वो ऑलवेज मैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसकी ससेप्टिबिलिटी वेरी हाई होती है, ऐसा हमने देखा था एक्सप्लोरेशन में, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी वेरी हाई होती है। बट अब यहाँ पे क्या है, पोर स्पेस आ चुकी है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे अब कोई मटेरियल नहीं है, तो ये फ्लक्स होगा वो यहाँ से पास होगा, तो ये पोर्स मीडिया में क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी आगे बढ़ने की, ठीक है। यहाँ पे इसको रेजिस्टिविटी मिलेगी, कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो जब भी इंटरनल कोरोजन होगा, ठीक है, इंटरनल के साइड पे कोरोजन होगा, तो यहाँ पे लॉस्ट क्या होगा, वेरी हाई। और हम ये लॉस्ट को हमारे टूल पे देखो, हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से डेप्थ के साथ हमने जो ये लॉस्ट हो रहा है, ठीक है, लॉस्ट होगा वो रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स मान लो ये वाली डेप्थ है 5000 फीट, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5000 फीट पे क्या ऑब्जर्व होगा, लॉस्ट वाले ऐसे 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 पीक देंगे। और ये इंटरनल साइज पे है, ठीक है, ये क्या है, इंटरनल साइज पे है। तो ये इंटरनल साइज पे होने के कारण क्या होगा, हायर लॉस्ट होगा, देखो यहाँ से पास ही नहीं होगा, ठीक है, हायर लॉस्ट होगा फ्लक्स का, ठीक है। रिसीवर पे वेरी लेस काउंट हो गए, बट हम मेजर क्या करते हैं, जो लॉस्ट हुआ है उसे अपने टूल पे रिकॉर्ड करवाएंगे। फिर एक चीज़ देखो, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो इस वाली डेप्थ पे ये राउंड शेप होता है तो दोनों साइड इक्वल होगा। एक्सटर्नल अगर लॉस्ट हुआ होता, कि इंटरनल तो अच्छा है बट एक्सटर्नल ऐसा कुछ इसको डैमेज हुआ होता, तो उस केस में क्या होता, इस केस में इंटरनली कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्स निकलता, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल SOM क्या होगी, बेड होगी, तो लॉस्ट मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली लॉस्ट ऑब्जर्व होगा, लॉस्ट ऑब्जर्व होगा, और वो किस तरह का मिलेगा, वो ऐसा थोड़ा थोड़ा लॉस्ट ऑब्जर्व होगा, ठीक है, उतनी बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये क्या इंडिकेट करता है, एक्सटर्नल लॉस्ट। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स में जो लॉस्ट हो रहा है उसकी हेल्प से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी केसिंग को इंस्पेक्शन कर सकते हैं। टूल का नेम है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज टूल, जो आपके कोर्स में दिया है ये वाला। तो इसमें ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉगिंग यूज़ करते हैं, कोयल यूज़ करते हैं, और फ्लक्स डेवलप करवाते हैं, जो फ्लक्स इस कंडक्टिव पार्ट से
ट्रैवल होना चाहिए था, बट जहाँ पे इंटरनल डैमेज होगा वहाँ पे हाई लॉस्ट और जहाँ पे एक्सटर्नल डैमेज होगा वहाँ पे लेस लॉस्ट। और ये सारे अदर पोर्शन है, यहाँ पे नो फ्लक्स लॉस्ट हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स का लॉस्ट नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स वो सेफ जोन क्रिएट करवाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक टूल था, आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकती है अपनी या फिर अपनी पाइप में छोटे छोटे कनेक्टिविटी, ठीक है, क्या होते हैं जॉइंट्स अगर डिफ्रेंशिएट हो चुके हो, कोरोजन हुआ हो, ठीक है, तो ये सब ये हमारा आइडेंटिफाई करके देगा। और एक चीज़, जब भी परफोरेशन करेंगे, ठीक है, तभी भी हमारी केसिंग को हम ब्रेक करेंगे, मान लो ऐसे ऐसे परफोरेशन किया है, ठीक है, तो इस केस में ये कैसा रिजल्ट देगा, देखो परफोरेशन की डेथ भी आइडेंटिफाई हो सकती है। इस केस में देखो ये कुछ इस तरह से आपको ऐसी ऐसी एनोमली देगा, ठीक है, ऐसी ऐसी एनोमली देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये वाली गैप है, ठीक है, ये वाली गैप ये है, ये वाली गैप ये है, ठीक है, आप फ्लक्स का लॉस देखोगे बट इस तरह से देखोगे, ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप इसे परफोरेशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये भी प्रोडक्शन के साथ ही आप क्या करोगे, प्रोडक्शन असेंबली के साथ आप इसको भेजोगे, ठीक है। तो ये आज हमने तीन टूल पढ़े, ठीक है, कौन कौन से, वी हैव स्टडीड थ्री लॉक टूडे, फर्स्ट वन इज़ दी आरएफटी, सेकंड वन इज़ दी फ्लूड डेंसिटी मेजरमेंट, थर्ड वन इज़ दी व्हाट आई कैन से केसिंग इंस्पेक्शन टूल, ठीक है। तो इसके प्रिंसिपल हमने क्या क्या देखा, देखो हमने आरएफटी देखा, सेकंड देखा हमने फ्लूड डेंसिटी मेजरमेंट, उसे होल्ड अप निकालना, थर्ड इज़ दी केसिंग इंस्पेक्शन टूल यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज टूल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमने देखा। तो जो आरएफटी, एफडीएम, ये तीन आपके कोर्स में नाम लिख के दिए हैं, यहाँ से कभी क्वेश्चन आया भी नहीं और चांसेस भी बहुत कम है, आपको आगे जो लॉग पटाए उसी में से आ रहा है, बट हमने इसके प्रिंसिपल और मेजरमेंट देख लिए। इसके उपरांत हमने साइड में सीबीएल वीडीएल भी देखा था, उसके बाद देखा था हमने आई गेस कोई और लॉग देखा था क्या, नहीं, सीबीएल वीडीएल के बाद यही देखा। सीडीएल वीडीएल में हमने पल्स इको टूल डिस्कस किया था, वो भी आपके कोर्स में आई गेस मेंशन है। अब कितना रिमेनिंग है, देखो अब हम देखेंगे प्रोडक्शन लॉगिंग, ओके, क्या देखेंगे, प्रोडक्शन लॉगिंग। तो ये दो टूल किस में ही आते हैं, प्रोडक्शन लॉगिंग में ही आते हैं। सेकंड इज, और इसमें कौन कौन से देखेंगे, टेम्परेचर लॉग होगा आई गेस, फिर नॉइस लॉक होगा और एक स्पिनर यानी कि फ्लो मीटर होगा, ठीक है, फ्लो मीटर वाला। तो ये तीन, ठीक है, टेम्परेचर हमने आगे देखा था बट दैट इज़ नॉट एज पर दी प्रोडक्शन लॉगिंग, वो तो हमने बेसिक सा, ठीक है, कूल मड इन्वेड होता था तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता था, उस सेंस में देखा था। जो प्रोडक्शन लॉगिंग में हम टेम्परेचर लॉग कब यूज़ करेंगे, जब प्रोडक्शन ले रहे होंगे, ठीक है, जब प्रोडक्शन लेना होगा उस टाइम पे जो लॉगिंग यूज़ करते हैं, दोज आर दी प्रोडक्शन लॉगिंग, ठीक है, और कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, नाम पे ही आपको सजेशन है। सेकंड इज दी अल्ट्रासोनिक इमेज टूल एंड थर्ड इज दी NMR, ओके, सो वी विल कवर दिस फाइव टूल, ओके, ठीक है, इस तरह से मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ या फिर कुछ भी जो भी है, ठीक है, we will see in the next video, okay, so we will see these three tool and interpretation from these five tools simultaneously, theek hai, ye fluid density, temperature, pressure recording aur phir flow meter aur noise, ye sab ko mila ke interpretation kaise karte hai uska ek example dekh lenge taki hamara thoda bahut concept clear ho jaye aur kuch usme rocket science to hai nahi। so thank you very much, thanks for watching me, milte hain next video mein, jai jinendra।